नमस्कार एसके न्यूज के फास्ट ट्रैक समाचारों में आपका स्वागत है। बैतूल सिसुली मार्ग पर एक पिकअप के पलट जाने से 25 लोग घायल और 2 की मौत हो गई। ये सभी एक धार्मिक स्थल से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी पिकअप अनियंत्रित होकर जोगली मोड़ पर पलट गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बैतूल पॉलिटेक्निक कॉलेज में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच मारपीट का मामला इतना बढ़ गया कि अंजाम खूनी खेल तक पहुंच गया, जिसमें एक छात्र के सिर पर चोट आई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और मारपीट करने वालों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। बड़ौरा से बैतूल बाजार मार्ग पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात आरोपियों ने आमला की ओर जा रहे मोटरसाइकिल से सवारों पर गोली चलाकर उनसे 3,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घोड़ाडोंगरी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की आंख खराब होने का मामला सामने आया है। पेशे से कुम्हार मल्लू ने बताया कि उसकी आंखें 26 नवंबर को लाल हो गई थी, जिसकी वजह से वह सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए गया था, जहां से मिली दवा डालने के बाद उसकी एक आंख पूरी तरह खराब हो चुकी है और दूसरे से दिखाई नहीं दे रहा। इधर डॉक्टरों का कहना है कि मल्लू की आंखें पहले से ही खराब थी। मल्लू को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया है।